दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे एस्ट्रोनॉट की जो अपने साथी एस्ट्रोनॉट के साथ एक स्पेस मिशन कंप्लीट करके पृथ्वी पर वापस आ रहा था, लेकिन बीच रास्ते में उनके स्पेसक्राफ्ट पर कोई अजीब सी चीज उन पर बड़ा ही घातक अटैक कर देती है जिसमें उस एस्ट्रोनॉट का साथी एस्ट्रोनॉट मारा जाता है। इसके बाद जब उस बचे हुए एस्ट्रोनॉट को क्वारंटीन किया जाता है तो रात में उसके शरीर में बहुत ज्यादा भयंकर दर्द होने लगता है और उसके शरीर से एक बड़ा ही अजीब डरावना सा एलियन जीव बाहर निकलता है जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं कि ये चीज आखिर है क्या और यहाँ धरती पर कैसे और किस मकसद से आई है। इसके बाद साइंटिस्ट डिसाइड करते हैं कि वो लोग इस डरावने जीव पर रिसर्च करके इसे दूसरे देशों के खिलाफ युद्ध में इसका इस्तेमाल एक हथियार के तौर पर करेंगे, जिसके लिए वो इस एलियन जीव को हर रोज आधी रात को खाने के लिए एक कैदी को उसके हवाले कर देते थे। अब यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन ये जीव साइंटिस्ट के लिए एक आफत तब बन जाता है जब वो उन्हीं पर अटैक करने लग जाता है। तो अब देखते हैं कि क्या साइंटिस्ट इस एलियन जीव को मार पाएंगे या फिर ये खतरनाक एलियन जीव पूरी पृथ्वी पर से इंसानियत को खत्म कर देगा। चलिए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत साल 1983 के समय से होती है जहां स्पुतनिक नाम के रशियन स्पेस शटल में दो एस्ट्रोनॉट्स एवरचेंको और कॉन्स्टेंटीन बैठे हुए थे। ये दोनों एस्ट्रोनॉट कई महीनों के सफर के बाद सक्सेसफुली पृथ्वी पर वापस आ रहे होते हैं, लेकिन वापस आते समय उन्हें स्पेस शटल के बाहर कुछ अजीब सा दिखाई देता है जिसके साथ ये सीन यहीं कट हो जाता है और अगले सीन में हमें कजाकिस्तान का एक वीरान इलाका दिखाया जाता है जहां उन एस्ट्रोनॉट्स का लैंडर क्रैश हुआ था। यहां एक आदमी लैंडर के पास जाकर देखता है तो उसे एवरचेंको की लाश दिखाई देती है। वहीं पास ही कॉन्स्टेंटीन भी घायल हालत में लैंडर से बाहर निकलता है। दूसरी तरफ हमें एक फीमेल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर तात्याना को दिखाया जाता है जिसके ऊपर ट्रायल्स चल रहे होते हैं क्योंकि तात्याना के इलाज करने का तरीका काफी अजीब था। दरअसल तात्याना ने 17 साल के एक लड़के का इलाज करने के लिए उसे काफी देर तक पानी में डुबाए रखा था। अब ऐसा करने से उस लड़के की जान तो नहीं गई, लेकिन उसके माता पिता ने तात्याना के खिलाफ कंप्लेन कर दी। तब तात्याना अपनी सफाई में कहती है कि मैंने उस लड़के को सिर्फ उतनी देर तक ही पानी में रखा जितने में उसकी जान न जाए और साथ ही साथ वो ये भी बताती है कि मेरे इलाज करने का यही तरीका है। उसकी इस बात पर जूरी में बैठी एक लेडी तात्याना से बोलती है कि अगर तुमने अपने इलाज के तरीकों को नहीं बदला तो हम तुम्हें सस्पेंड करके तुम्हारा मेडिकल करियर यहीं खत्म कर देंगे। जूरी की बात सुनकर तात्याना काफी फ्रस्ट्रेट हो जाती है क्योंकि उसके इलाज का तरीका भले ही अजीब हो पर इसी तरह से उसने ऐसे लोगों को भी ठीक कर दिया था जिसे कोई दूसरा डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया। वहीं पास ही सेमिराडोव नाम का एक आर्मी ऑफिसर इस ट्रायल को देख रहा होता है और वो थोड़ी देर बाद तात्याना से एक मेडिकल केस में हेल्प मांगते हुए कहता है कि अगर तुम्हें ये केस इंटरेस्टिंग लगे तो तुम अपने तरीके से ट्रीटमेंट कर सकती हो और जब भी तुम इस केस को छोड़ना चाहो तो वापस लौट सकती हो। इस मदद के बदले सेमिराडोव उसके ऊपर लगे सारे चार्जेस को हटाकर उसका सस्पेंशन रुकवा देगा, जिस बात को सुनते ही तात्याना उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। इसके बाद तात्याना को एक हेलीकॉप्टर से किसी अनजान जगह पर ले जाया जाता है जहां आगे का सफर वो लोग ट्रक से तय करते हैं। रास्ते में सेमिराडोव तात्याना को बताता है कि तुम्हारा पेशेंट वही एस्ट्रोनॉट है जो स्पुतनिक स्पेस प्रोब में बैठकर अंतरिक्ष में गया था, यानी उसका पेशेंट कॉन्स्टेंटीन ही है जिसे हमने शुरुआत में देखा था। जब से कॉन्स्टेंटीन और उसका दोस्त अंतरिक्ष से वापस आए हैं तब से वो लोग रशिया के नेशनल हीरो बन चुके हैं क्योंकि ऐसा पहली बार है कि कोई इंसान अंतरिक्ष में जाकर वापस आया हो। लेकिन आर्मी ने अपने देश की जनता से इस बात को छुपा कर रखा था कि उनका एक नेशनल हीरो यानी एवरचेंको मर चुका है, बल्कि उन्होंने हर तरफ ये खबर फैला रखी थी कि स्पेस से वापस आने के कारण दोनों नेशनल हीरोज को पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए उन्हें कुछ हफ्तों तक क्वारंटीन में रखा गया है। वहीं तात्याना को बस इतना ही बताया गया था कि कॉन्स्टेंटीन एमनीशिया का पेशेंट है, लेकिन कॉन्स्टेंटीन की हाई सिक्योरिटी देखकर वो समझ जाती है कि उससे कुछ तो छुपाया जा रहा है। फिर थोड़ी देर बाद सेमिराडोव उसे लेकर एक ग्लास चैम्बर के बाहर जाता है जिस चैम्बर में रीगल नाम का एक डॉक्टर कॉन्स्टेंटीन का इलाज करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर तात्याना गर्म कॉफी का एक कप लेकर कॉन्स्टेंटीन के चैम्बर में जाती है जहां हम देख पाते हैं कि उसने कॉफी के कप को हैंडल से पकड़ रखा है, लेकिन कॉन्स्टेंटीन उस गर्म कॉफी के खौलते हुए कप को बिना किसी तकलीफ के पी लेता है। यहां तात्याना उससे बहुत अच्छे से बात करती है। तब तात्याना ग्लास चैम्बर से बाहर निकल के सेमिराडोव से बताती है कि इस हादसे की वजह से कॉन्स्टेंटीन के दिमाग पर बुरा असर हुआ है जिससे उसने डिप्रेशन में आकर अपने
अपनी सेंसिटिविटी खो दी है। ये बताकर तातियाना सेमिरादोव से कहती है, मुझे इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं दिखता जिसे दूसरा कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता, इसलिए मैं वापस जाना चाहती हूँ। इस पर सेमिरादोव बताता है कि अगला हेलीकॉप्टर दूसरे दिन यहाँ से जाएगा, तब तक तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। आगे तातियाना जब अपने कमरे में बैठी हुई थी तो रात के समय सेमिरादोव वहाँ आकर उसे अपने साथ चलने को कहता है और वो दोनों बिना समय गंवाए ऑब्जर्वेशन चैम्बर में आते हैं, जहाँ कॉन्स्टेंटीन को बुलेट प्रूफ ग्लास चैम्बर के अंदर बने एक और कमरे में रखा गया था। ये देखकर तातियाना को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर कॉन्स्टेंटीन को उसके कमरे में कैद क्यों किया गया है। अब इससे पहले कि वो सेमिरादोव से कुछ पूछ पाती, तभी उसकी नज़र मॉनिटर पर पड़ती है जिसमें कॉन्स्टेंटीन दिख रहा था। देखते ही देखते उसके हाथ पैर अकड़ने लगते हैं और वो अचानक से अपने बिस्तर के नीचे गिर के खून की उल्टी कर देता है। खून की उल्टी के साथ ही उसके मुंह से एक अजीब सा जीव बाहर निकलता है, जिसके बाहर आते ही कॉन्स्टेंटीन तो बेहोश हो गया था, पर वो जीव धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, जिसे मॉनिटर में देखकर तातियाना के होश उड़ जाते हैं। तब सेमिरादोव के कहने पर तातियाना उस अजीब से जीव को देखने के लिए कॉन्स्टेंटीन के कमरे के बाहर जाती है, जहां वो जीव उस पर हमला कर देता है, लेकिन बुलेट प्रूफ ग्लास की वजह से वो जीव तातियाना को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। जिसके बाद सेमिरादोव तातियाना से बताता है कि ये जीव स्पेस से कॉन्स्टेंटीन के साथ आया है और वो उसके शरीर के अंदर ही रहता है, इसी वजह से हमने एक नेशनल हीरो को इस तरह कैद करके रखा है, क्योंकि उसके अंदर एक एलियन जीव मौजूद है जिसे अलग करने का काम तुम्हारा है। यहाँ तातियाना भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके सेमिरादोव से कॉन्स्टेंटीन की लैंडिंग के बाद से अब तक की सारी रिपोर्ट्स और फुटेजेस मांगती है, ताकि वो इस जीव के बिहेवियर को अच्छे से समझ सके। रिपोर्ट्स पढ़कर उसे ये पता चलता है कि ये एलियन जीव किसी पैरासाइट की तरह है, जो ज्यादातर समय कॉन्स्टेंटीन के पेट में ही रहता है। जब वो पेट में रहता है तो उसकी लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर होती है, लेकिन कॉन्स्टेंटीन के शरीर से बाहर निकलते ही उसे ऑक्सीजन मिलती है, जिससे उसकी लंबाई आधा मीटर हो जाती है। वो एलियन जीव कॉन्स्टेंटीन के शरीर से बाहर निकलने के लिए एक टॉक्सिन रिलीज करता है, जिससे कॉन्स्टेंटीन के शरीर की मसल्स लूज होकर फैल जाती है, ताकि वो एलियन जीव आसानी से बाहर निकल सके। ये जीव हर रात 2:40 से लेकर 3:10 के बीच उसके शरीर से बाहर निकलता है और कुछ समय बाहर रहने के बाद वो वापस कॉन्स्टेंटीन के शरीर में चला जाता है। इस पूरे समय तक कॉन्स्टेंटीन बेहोश ही रहता है और उसे ये तक पता नहीं कि उसके अंदर कोई एलियन जीव रहता है। तातियाना को रिपोर्ट पढ़कर ये भी पता चलता है कि रीगल ने एक बार उस एलियन जीव को कॉन्स्टेंटीन के शरीर से अलग करने की कोशिश की थी, लेकिन एलियन जीव से अलग होते ही कॉन्स्टेंटीन की हालत खराब होने लगी थी, पर वो जीव जैसे ही कॉन्स्टेंटीन के शरीर में वापस गया तो कॉन्स्टेंटीन दोबारा ठीक हो गया। यानी कहीं न कहीं उस एलियन जीव ने ही कॉन्स्टेंटीन को अब तक बचा रखा है, वरना लैंडर के क्रैश करने के बावजूद भी उसका जिंदा रह पाना नामुमकिन था। वहीं ये जीव कॉन्स्टेंटीन के खाए हुए खाने को खाकर जिंदा रहता है, लेकिन तातियाना को ये जानना था कि वो एग्जैक्टली क्या खाता है। उसे इन फाइल्स में कॉन्स्टेंटीन के पास्ट की भी जानकारी मिलती है, जिससे उसे ये पता चलता है कि कॉन्स्टेंटीन का 7 साल का एक नाजायज बेटा है, क्योंकि कॉन्स्टेंटीन ने उसकी माँ से शादी नहीं की थी और उसकी माँ के मरने के बाद उस बच्चे को ऑर्फनेज में रख दिया गया। फिर अगले दिन तातियाना इंट्रोगेशन के दौरान पहले तो कॉन्स्टेंटीन से उसका फेवरेट सॉन्ग पूछती है, लेकिन बाद में वो उससे कहती है कि तुम एक बुरे पिता हो जिसने अपने बेटे को ऑर्फनेज में सड़ने के लिए छोड़ दिया, जो सुनकर कॉन्स्टेंटीन को काफी बुरा लगता है। जबकि तातियाना की बातों से हम समझ पाते हैं कि उसने जानबूझकर कॉन्स्टेंटीन को गुस्सा दिलाया, ताकि गुस्से के कारण उसके व्यवहार में कुछ बदलाव आ जाए। वो तुरंत ही रीगल से कॉन्स्टेंटीन का ब्लड टेस्ट करने को कहती है, ताकि उसे ये पता चल सके कि आखिर वो एलियन जीव एग्जैक्टली क्या खाता है। यहाँ तातियाना सेमिरादोव को सजेस्ट करती है कि वो कॉन्स्टेंटीन को ग्लास चैम्बर से निकालकर किसी दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दे, ताकि कॉन्स्टेंटीन को ऐसा ना लगे कि उसे कैद करके रखा गया है। इस पर सेमिरादोव कॉन्स्टेंटीन को ग्लास चैम्बर से निकालकर एक नॉर्मल कमरे में शिफ्ट करवा देता है और इस कमरे में एक टीवी भी रखी हुई थी। इसी बीच उसके कमरे में तातियाना आती है, जिसे कॉन्स्टेंटीन बताता है कि स्पेस में जाने से एक हफ्ते पहले ही मुझे अपने बेटे और उसकी माँ के बारे में पता चला था, इसलिए मैंने ये सोचा कि वापस आने के बाद मैं उसे ऑर्फनेज से वापस ले आऊंगा, लेकिन वापस आने के बाद से मैं यहीं पर फंसा हुआ हूँ। फिर उसी रात जब वो एलियन बाहर निकलता है तो तातियाना दोबारा से उसके सामने जाती है और पिछली बार की तरह इस बार भी उनके बीच बुलेट प्रूफ ग्लास होता है, लेकिन इस बार वो एलियन तातियाना को देखकर उसके ऊपर हमला करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो तो एक खिलौने की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, जो खिलौना दरअसल कॉन्स्टेंटीन का फेवरेट खिलौना था। ये देखकर तातियाना उस खिलौने के साथ बुलेट प्रूफ चैम्बर के अंदर जाती है, जहां वो जीव उस खिलौने के साथ ऐसे चिपकने लगता है मानो वो उसका भी फेवरेट
खिलौना हो। उस जीव को खिलौने के साथ खेलता देखकर तात्याना उसे छूने की कोशिश करती है, जिस कारण वो जीव उस पर हमला करके उसके पैरों को बुरी तरह से घायल कर देता है। तब सोल्जर्स आसपास की लाइट्स जलाकर उस जीव को कंफ्यूज करते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर तात्याना को वहां से बाहर निकाल लिया जाता है। वो होश में आने के बाद सेमिरादोव से अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करते हुए बताती है कि वो एलियन कॉन्स्टेंटीन की फीलिंग्स को महसूस कर सकता है और शायद इसीलिए वो उस खिलौने की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। तात्याना फिर से वीडियो फुटेजेस को देखती है तो उसे ये पता चलता है कि वीडियो में कुछ ग्लिच है, यानी उस वीडियो से कुछ छेड़छाड़ की गई है। वो इस बारे में रीगल से पूछती है लेकिन रीगल उसे कुछ भी नहीं बताता। दरअसल रीगल रिसर्च करके नोबेल प्राइज पाना चाहता था, इसलिए वो तात्याना को कुछ बता नहीं रहा होता, जिस पर तात्याना उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे नोबेल प्राइज से कोई मतलब नहीं है, बल्कि मुझे तो सिर्फ सच जानना है। वहीं रीगल भी ये बात जान रहा था कि अकेले वो अपनी रिसर्च पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि वो इस केस में काफी दिनों से लगा हुआ था, लेकिन तात्याना के आने के बाद ही उसे कुछ जरूरी इनसाइट्स मिले हैं, इसलिए वो तात्याना की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद वो तात्याना को एक गाड़ी में छुपाकर इस फैसिलिटी से दूसरी तरफ ले जाता है, जहां सिर्फ कुछ ही लोगों को जाने की परमिशन थी। वो उसे नाइट विजन बायनोकुलर्स देकर कहता है कि तुम गाड़ी के अंदर से ही सब कुछ देखती रहो। तात्याना देखती है कि वहां एक कैदी को केज के अंदर ले जाया जा रहा था और इसी के साथ सारी लाइट्स बंद कर दी गई। कुछ देर बाद एलियन जीव केज के अंदर आकर उस कैदी को एक ही झटके में मारकर उसके मांस को खाने लगता है। ये देखकर तात्याना के होश उड़ जाते हैं और हम एज एन ऑडियंस जान पाते हैं कि ये केज उसी ग्लास चैम्बर से जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर कॉन्स्टेंटीन को हर रात रखा जाता है ताकि वो एलियन केज में आकर प्रिजनर्स को खा सके। अब गाड़ी में वापस आने के बाद रीगल तात्याना को बताता है कि जब हमें कॉन्स्टेंटीन मिला था तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन उसके अंदर इस एलियन जीव के होने की वजह से उसकी तबीयत दिन ब दिन सही होती चली गई और वो इतनी जल्दी रिकवर कर गया जितने में किसी आम इंसान का रिकवर कर पाना लगभग नामुमकिन था। जब कॉन्स्टेंटीन हॉस्पिटल में था तो इस एलियन जीव ने एक नर्स को भी मार दिया था और उसी दिन के बाद से कॉन्स्टेंटीन की तबीयत में सुधार आना शुरू हो गया। इसके बाद उस जीव को मछली से लेकर सुअर तक सब कुछ खाने को दिया गया, मगर ऐसा करने से कॉन्स्टेंटीन की तबीयत फिर से खराब होने लगी। आखिर में सेमिरादोव ने उस जीव को एक प्रिजनर ऑफर किया, जिसे खाने के बाद जब वो जीव कॉन्स्टेंटीन के अंदर गया तो कॉन्स्टेंटीन की तबीयत वापस से सही हो गई, लेकिन वो जीव प्रिजनर्स को मारने से पहले उन्हें काफी ज्यादा डराता है, क्योंकि डरते समय इंसानों के अंदर कॉर्टिसोल नाम के हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और शायद ये जीव कॉर्टिसोल के ऊपर ही फीड करता है। फिर अगली सुबह तात्याना कॉन्स्टेंटीन को सारी सच्चाई बताती है कि उसके अंदर एक एलियन जीव रहता है जिसने बहुत से लोगों को मार दिया है। ये सुनकर कॉन्स्टेंटीन तात्याना से कहता है कि तुम मुझे रात में मिलो। रात में कॉन्स्टेंटीन अपने कमरे के बाहर मौजूद एक रिसेप्शनिस्ट लड़की को बेहोश करके टीवी के अंदर लगे एक मैग्नेट को निकाल लेता है। वो उस मैग्नेट की मदद से सीसीटीवी कैमरास को ऑल्टर करके तात्याना के साथ उस कमरे में जाता है जहां उसके दोस्त एवरचेंको की लाश रखी हुई थी। यहां कॉन्स्टेंटीन रिवील करता है कि उसे इस एलियन के बारे में पहले से ही पता है, यहां तक कि उसे वो सारी चीजें महसूस और दिखाई देती हैं जो वो एलियन करता है, यानी वो एलियन जो भी महसूस करता है वो सारी चीजें कॉन्स्टेंटीन को भी महसूस होती हैं और उसे अच्छे से पता है कि हर रात ये एलियन प्रिजनर्स को मार के उनका मांस खाता है। लेकिन इतना सब जानने के बावजूद भी कॉन्स्टेंटीन अनजान बना हुआ है, क्योंकि अगर सेमिरादोव को ये बात पता चल गई तो वो कॉन्स्टेंटीन को इस फैसिलिटी से कभी नहीं जाने देगा। दरअसल कुछ ही दिनों में यहाँ एक इंस्पेक्शन टीम आने वाली है, जिनके आने तक कॉन्स्टेंटीन को अपना नाटक जारी रखना होगा। इंस्पेक्शन टीम से क्लियरेंस मिलते ही कॉन्स्टेंटीन को छोड़ दिया जाएगा और ऐसा तभी पॉसिबल है जब कॉन्स्टेंटीन इन बातों से अनजान बना रहे। वो तात्याना से रिक्वेस्ट करता है कि तुम सेमिरादोव को मत बताना कि मैं और वो एलियन सेम फीलिंग शेयर करते हैं, क्योंकि सेमिरादोव को इस बात का पता चल गया तो वो मुझे बाहर नहीं जाने देगा। कॉन्स्टेंटीन ने तात्याना को ये बातें इसलिए बताई क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि तात्याना बहुत इंटेलिजेंट है, जो बहुत ही जल्द सारी सच्चाई का पता लगा लेगी, इसलिए उसने पहले ही सब कुछ कन्फेस कर दिया। उसकी बातें सुनकर तात्याना को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उनके देश के लोग कॉन्स्टेंटीन को एक नेशनल हीरो मानते हैं, लेकिन ये नेशनल हीरो सब कुछ जानते हुए भी प्रिजनर्स की हत्या होने दे रहा है। तात्याना उससे कहती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो खुद की जान ले लेती। ऐसा कहकर वो यहाँ से जा रही होती है कि तभी एक सोल्जर उसे गिरफ्तार कर लेता है, क्योंकि वो एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में घूम रही थी। इसके बाद सेमिरादोव उसे खुद लेकर केज के पास जाता है, क्योंकि सेमिरादोव को इस बात का पता चल गया था कि रीगल तात्याना को पहले भी इस केज के पास लेकर आया था। सेमिरादोव उससे कहता है कि तुम्हें इस बार नाइट विजन बायनोकुलर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मैं तुम्हें सब कुछ करीब से दिखाऊंगा। फिर हम तात्याना और सेमिरादोव को केज के पास देखते हैं, जहां इस बार एक नहीं बल्कि दो प्रिजनर्स को लाया गया था और हर बार की तरह इस बार भी वो एलियन
केज में आकर उन प्रिजनर्स को मारने ही वाला था कि तभी तात्याना केज को खोलकर उस जीव के सामने चली जाती है, लेकिन वो उस पर हमला नहीं करता क्योंकि कॉन्स्टेंटीन और ये एलियन सेम फीलिंग शेयर किया करते थे, जिस कारण ये एलियन तात्याना को नुकसान नहीं पहुंचाता। तभी तात्याना कॉन्स्टेंटीन का फेवरेट गाना गाने लगती है, जिससे वो एलियन बिल्कुल शांत पड़ जाता है। जबकि दूसरी तरफ कॉन्स्टेंटीन वापस से होश में आने लगता है, जो देखकर हम समझ पाते हैं कि कॉन्स्टेंटीन कुछ हद तक उस एलियन को कंट्रोल कर सकता है। इसी बीच एक प्रिजनर वहां से भागने की कोशिश करता है, जिस पर वो एलियन एक झटके में ही उस प्रिजनर का सिर धड़ से अलग करके उसे मार देता है। हालांकि इस इंसिडेंट को देखकर सेमिरादोव तात्याना से पूछता है कि क्या कॉन्स्टेंटीन इस एलियन को कंट्रोल कर सकता है, जिसके जवाब में तात्याना कहती है कि वो इस एलियन को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता। इस जवाब से सेमिरादोव समझ जाता है कि अगर तात्याना को और ज्यादा समय दिया जाए तो वो कोई न कोई तरीका खोज ही लेगी, जिससे कॉन्स्टेंटीन और एलियन को अलग किया जा सके। वहीं अगली सुबह जब तात्याना और रीगल एवरचेंको की लाश का परीक्षण कर रहे होते हैं, तो तात्याना रीगल से बताती है कि एवरचेंको को फर्स्ट स्टेज का कैंसर था, जिसका पता हमारे डॉक्टर्स को तो नहीं चल पाया, लेकिन उस एलियन ने एवरचेंको की बीमारी का पता लगा लिया और इसीलिए उसने कॉन्स्टेंटीन के शरीर में रहने का फैसला किया। यहाँ हम ये भी जान पाते हैं कि एवरचेंको की मौत क्रैश में नहीं हुई, बल्कि उस एलियन ने ही एवरचेंको को जान से मारा था। इसी बीच तात्याना रीगल से कहती है कि मैं कॉन्स्टेंटीन को लेकर यहाँ से भागने वाली हूँ और हमें यहाँ से भागने में तुम्हारी मदद चाहिए। अब पहले तो रीगल सेमिरादोव के डर से उसकी मदद करने को तैयार नहीं होता, लेकिन बाद में वो उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो अपने नोबेल प्राइज के चक्कर में और प्रिजनर्स की जान नहीं लेना चाहता था। आगे हम तात्याना को कॉन्स्टेंटीन के पास देखते हैं, जहां वो उससे बताती है कि आज हम दोनों यहां से एस्केप करने वाले हैं, लेकिन एस्केप करने से पहले मैं उस एलियन को तुम्हारे शरीर से अलग कर दूंगी। दरअसल तात्याना का प्लान ये था कि वो कॉन्स्टेंटीन के शरीर में ऐसा केमिकल इंजेक्ट करेगी, जिससे उसके शरीर में कुछ देर के लिए कैंसर के सिम्टम्स आ जाएंगे। ऐसा होते ही वो एलियन उसके शरीर को छोड़कर बाहर निकल आएगा और वो एलियन कॉन्स्टेंटीन के शरीर के बिना ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि उससे धूप नहीं बर्दाश्त होती। यही वजह है कि वो रात के समय ही बाहर निकलता है, जबकि दिन में वो उसके शरीर में रहता है। इसके बाद तात्याना और कॉन्स्टेंटीन कुछ सोल्जर्स को बेहोश करके वहाँ से भाग निकलते हैं, जबकि दूसरी तरफ रीगल हायर ऑफिसर्स को सेमिरादोव के इलीगल एक्सपेरिमेंट्स के बारे में खबर देता है। उधर सेमिरादोव को सीसीटीवी फुटेजेस से पता चल चुका था कि तात्याना और कॉन्स्टेंटीन वहाँ से भाग रहे हैं, और इस सब में रीगल ने भी उनकी मदद की है। उसे ये भी पता चल चुका था कि रीगल ने उसके खिलाफ कंप्लेंट कर दी है, इसीलिए वो उसे शूट करके जान से मार देता है। उसे मारने के बाद वो अपने सोल्जर्स को तात्याना और कॉन्स्टेंटीन के पीछे भेजता है, जहां उसके ऑर्डर पर बहुत सारे सोल्जर्स तात्याना और कॉन्स्टेंटीन को घेर लेते हैं, जहां वो लोग तात्याना को मारने ही वाले थे कि तभी कॉन्स्टेंटीन खुद को इंजेक्शन लगाकर एलियन को बाहर निकाल देता है। वो तात्याना को बचाने के लिए उस एलियन को कंट्रोल करके सभी सोल्जर्स को मरवा देता है। अब इस मौके का फायदा उठाकर तात्याना कॉन्स्टेंटीन को लेकर वहां से भाग निकलती है, जिससे वो एलियन पीछे छूट जाता है। इधर कॉन्स्टेंटीन और एलियन एक दूसरे से दूर जाते ही कमजोर होने लगते हैं, क्योंकि उन दोनों में एक सिम्बायोटिक रिलेशन बन गया था, यानी वो दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंडेंट थे। एलियन से कॉन्स्टेंटीन को ताकत मिलती थी और कॉन्स्टेंटीन के शरीर में रहकर वो एलियन जिंदा रह पाता था। दूसरी तरफ सेमिरादोव का सामना उस एलियन से होता है, लेकिन कॉन्स्टेंटीन से दूर होने के कारण वो एलियन काफी कमजोर पड़ चुका था, इसीलिए सेमिरादोव उसे एक बॉक्स में डालकर तात्याना और कॉन्स्टेंटीन के पास पहुंचता है। हालांकि अब तक कॉन्स्टेंटीन की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, और इस बात का फायदा उठाकर सेमिरादोव तात्याना को मारने ही वाला होता है कि तभी कॉन्स्टेंटीन पूरी हिम्मत करके उस एलियन को फिर से कंट्रोल करके सेमिरादोव को मरवा देता है। वो एलियन सेमिरादोव को मारने के बाद कॉन्स्टेंटीन के मुंह से होते हुए उसके पेट में चला जाता है, जिससे कॉन्स्टेंटीन की तबीयत दोबारा से ठीक होने लगती है, लेकिन इतना खून खराबा देखने की वजह से कॉन्स्टेंटीन को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो खुद को शूट करके मार लेता है ताकि उसके साथ एलियन भी मारा जाए। इसके बाद कहानी के लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि तात्याना कॉन्स्टेंटीन के बेटे को ऑर्फनेज में जाकर एडॉप्ट कर लेती है। इसी के साथ ये बेहतरीन मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।